खबर नैनीताल से, जहां विधायक महेश नेगी प्रकरण में टली है हाईकोर्ट में सुनवाई। महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका दी थी। विधायक की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। महेश नेगी की पत्नी द्वारा दायर की गई FIR को महिला ने चुनौती दी है। महिला ने विधायक पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने किया है दावा कि उनकी बेटी के पिता है महेश नेगी। महिला ने DNA टेस्ट की मांग भी की। विधायक महेश नेगी नार्को टेस्ट की भी मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेश नेगी विधायक प्रकरण में हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई थी याचिका। विधायक की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। महेश नेगी की पत्नी द्वारा दायर की गई FIR को महिला ने चुनौती दी है। महिला ने विधायक पर रेप का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि उसी की बेटी के पिता है महेश नेगी और वो DNA टेस्ट कराने को लेकर भी मांग लगातार कर रही है। आज इसको लेकर सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में। विधायक महेश नेगी प्रकरण में जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक महेश नेगी प्रकरण में सुनवाई जो होनी थी वो टल चुकी है। महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका भी दायर की गई है। विधायक की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है। महेश नेगी की पत्नी द्वारा दायर की गई FIR को महिला ने चुनौती दी है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव जोशी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। गौरव, विधायक महेश नेगी प्रकरण में सुनवाई जो है वो टल गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट? जी देखिए, आज अहम सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से आप सुनवाई टल चुकी है। कल नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में मामला गर्मा रहा है महेश नेगी को लेकर, तो महेश नेगी को कह सकते हैं आज राहत मिली है। और आपको ये भी बताना चाहूं कि पूरा मामला ये है कि लगातार जिस तरह से एक पीड़ित के द्वारा विधायक पर आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, तो उस मामले में पूरी जो उनकी बेटी है उसका DNA टेस्ट किया जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर वो बेटी है किसकी। क्योंकि बेटी की लड़ाई को लेकर महिला हाईकोर्ट पहुंची है, वहीं जो महेश नेगी की पूर्व जो पत्नी है अभी वर्तमान पत्नी है, उन्होंने भी जो हाईकोर्ट महिला पहुंची है इनके खिलाफ देहरादून के थाने में FIR दर्ज करवाई है। तो यही मामला पूरा इसी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसमें अब कल सुनवाई होनी है। जी गौरव, तो आज क्यों सुनवाई टली, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, इसमें हो सकता है कि जिस तरह से भी खुल के पास बैठ तो नहीं है सामने, क्योंकि ऑनलाइन सुनवाई चल रही है, लेकिन चलिए गौरव, फिलहाल कल सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।